एन आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स एन आ रहे हैं, या आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एन आ रही है और आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं शिक्षा मेड से। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, आपकी अपनी मेडिकल एडवाइजर MDF शिक्षा मेड। अगर हम NRI की सीट्स की बात करें तो NRI का कोटा एवरी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल NRI है और आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, तो इसमें हम आपको भरपूर हेल्प करेंगे। और इस कोटे को टारगेट करने के लिए एवरी स्टेट में क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेशन अलग रहता है। ऐसा नहीं कहे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो सभी स्टेट में चल जाएंगे, हमें एवरी स्टेट के रूल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन NRI में एक फायदा होता है कि अगर आप मैनेजमेंट से टारगेट करते हैं तो वहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है अगर हम किसी अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं NRI में, यानी कि कुछ कम नंबर होने के बाद भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि NRI में क्यों कंपैरिजन मैनेजमेंट काफी कम होती है। तो सबसे पहले तो मैं नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊंगी, हम किसी भी तरह के फेक NRI डॉक्यूमेंट्स में नहीं पढ़ेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे लुभावने ऑफर आपको मार्केट में मिलेंगे कि कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर हम आपको NRI क्राइटेरिया में कन्वर्ट करवा देंगे, तो हम इसके लिए बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अगर आप एक्चुअल NRI हैं, या अगर आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल NRI है, या आपकी पेरेंट्स ऐसी फील्ड में है जहाँ पर NRI प्रोफाइल टच होती है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, अगर हम हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, आपका MP हुआ है, तो इन स्टेट में बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेज हैं। इवन की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, कलिंगा है, KMC है, यानी कि बहुत जो बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी NRI कोटा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ही टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में कहीं भी एडमिशन हो जाए, तो आप शिक्षा मेड से कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। और डॉक्यूमेंट बनाने में भी एक पर्याप्त समय चाहिए, तो आप इसीलिए हर चीज को लेके पहले ही अवेयर रहें, ताकि हम उन चीजों को आपके फुलफिल कर पाए। कितनी बार एवरी ईयर ऐसा होता है कि बच्चे पहले सोचते हैं कि चलो देखेंगे, अभी बहुत टाइम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी से अप्रूव करवाने पड़ते हैं, जो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद चीजें प्रोसीजर में आती हैं। इससे बेहतर यह है कि अगर हम लास्ट में बहुत जल्दी भागम भाग करें, हम पहले ही अगर लाइनअप हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके NRI स्टेटस पे आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, MDF शिक्षा मेड, आपकी अपनी मेडिकल एडवाइजर। शिक्षा मेड आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा हर तरीके से, आपके कोटे के बारे में, हर तरीके से आपकी जो भी फीसेज रहेंगी। एवरी स्टेट में जो NRI की फीसेज होती है बहुत कम और ज्यादा होती है, कहीं पर आपको 90,000 USD है, कहीं पर 1,25,000 USD, कहीं 1,10,000 USD है। आप ये मत सोचिए कि एवरी स्टेट में NRI की फीसेज इक्वल है। और वो कैटेगरी कैसे काम करती है, आपकी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, उसके लिए हम आपको पूरा बताएंगे। तो आप जल्दी ही हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।